हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैनीक्योर का मसाज स्टेप का जो प्रैक्टिकल है वो बताऊंगी कि कैसे करना है मैनीक्योर का जो मसाज स्टेप है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन, अप्लाई मसाज क्रीम 3 times। जो भी मसाज स्टेप मैं बताऊंगी वो 3 times ही करना है या फिर उससे ज़्यादा है। तो देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ और क्रीम को अच्छे से लगा लेना है। और ये है मसाज क्रीम, जो मैनीक्योर का मसाज क्रीम होता है उससे मैं कर रही हूँ। और ये नंबर वन है। अभी नंबर टू जो है वो है एप्लीरेंस सेंटर अप एंड स्लाइड डाउन। तो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है और प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये है मसाज स्टेप जो मैं बता रही हूँ मैनीक्योर का, और सेंटर अप और स्लाइड डाउन, ये है नंबर टू। और 3 बार करना है और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप लोग का जो थ्योरी है मैं दे चुकी हूँ, आप लोग थ्योरी भी देखिए और प्रैक्टिकल भी देखिए। नंबर 3 जो है वो रोटेशन ऑन फेलेंजेस। तो जैसे मैं उंगलियों में कर रही हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड प्रेस एंड स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेस एंड स्लाइड डाउन, जैसे करके जा रही हूँ वैसे करके उंगलियों में करना है। और है ये रोटेशन ऑन फेलेंजेस नंबर 3। फोर, प्रेसिंग इन बिटवीन द फिंगर, 2 उंगलियों के बीच में प्रेस करना है जैसे मैं कर रही हूं। फाइव, फिजियोथेरेपी ऑफ फिंगर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देखिए जैसे करके कर रही हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये है नंबर 5, फिजियोथेरेपी ऑफ फिंगर। तो स्टेप बाय स्टेप बताते जा रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए प्रैक्टिस। नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ मेटाटर्सस। नंबर 7, होल्ड द क्लाइंट्स हैंड एंड बिटवीन द फिंगर एंड रोटेट हैंड्स। नंबर 8, प्रेशर पॉइंट्स ऑन द पंप। तो पहले मिडिल में प्रेशर देना होगा, फिर साइड में और फिर साइड में, ऐसे 3 बार करके प्रेशर देना होगा। नंबर 9, शेकिंग एट साइड ऑफ द हैंड एंड टेक आउट द स्ट्रेस। नंबर 10, चाइनीज बैंगल्स, जैसे बैंगल्स होता है वैसे ही करना है हाथ को। नंबर 11, क्रिस क्रॉस विथ थंब ऑन द इनर साइड ऑफ द फोर आर्म, जैसा कि इनर साइड कर रही हूँ क्रिस क्रॉस ऊपर से और फिर नीचे स्लाइड डाउन, और फिर साइड में क्रिस क्रॉस करना है इनर साइड में और स्लाइड डाउन। नंबर 12, सर्कलिंग द एल्बोस, और क्लॉकवाइज सर्कलिंग करना है और प्रेशर के साथ सर्कलिंग करना है। नंबर 13, एप्लीकेशन ऑफ सेंटर अप एंड स्लाइड डाउन, इसको आप सिंपल भाषा में जनरल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जैसा कि फेशियल का जनरल एप्लीकेशन है वैसे ये मैनीक्योर का जनरल एप्लीकेशन है। नंबर 14, फेदर टच। तो ये पूरा हो गया मैनीक्योर का मसाज स्टेप। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और कैसे करके प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।